हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही चटपटी, टेस्टी, मज़ेदार रेसिपी, जिसे आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाओगे तो वो बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाएगी और बहुत ही कुरकुरी और सॉफ्ट टेस्टी सी बनेगी और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू टिक्की चाट। ये देखिए, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट चटपटा होता है और बाहर से क्रिस्पी आलू टिक्की बनकर रेडी हो जाती है। तो इसे कैसे बनाना है, हम शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम दो चटनियाँ बना लेंगे, हरी चटनी और इमली की, इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी। तो हरी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक बाउल में 2-3 पुदीना पत्ती, एक छोटी कटोरी हरा धनिया, एक मिर्च बारीक कटी हुई, एक टमाटर छोटा कटा हुआ बारीक, एक कैरी छोटी बारीक कटी हुई, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच शक्कर और नमक स्वादानुसार। ये सारी चीज़ें हम मिक्सर जार में बारीक पीस लेंगे और बस, ये देखिए हरी चटपटी चटनी तैयार है। चलिए अब बनाते हैं इमली और खजूर की चटपटी और बहुत ही टेस्टी चटनी। इसके लिए ये मैंने इमली यहाँ पर आधा घंटा गर्म पानी में भिगो के रखी थी, इसका हम पल्प निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे छान कर भी ले सकते हो। अब हम ये जो इमली का पल्प है, इसे हम ऐड करेंगे खजूर में। ये मैंने खजूर लिया है एक कटोरी, इसकी सीड्स मैंने निकाल दी है। इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पानी, एक चम्मच शक्कर, जीरा पाउडर, शक्कर की जगह आप गुड़ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर शक्कर डाली है। फिर हम डालेंगे काला नमक और धनिया पाउडर और बस, अब हम इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। और ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सी इमली और खजूर की चटपटी चटनी तैयार है। यह बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, इसे एकदम खाने में स्वाद आ जाता है। तो हमारी दोनों चटनियाँ बनकर रेडी है और अब हम बनाना शुरू करते हैं टिक्की। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू उबाल कर लिए हैं और उसके छिलके निकाल दिए हैं, ये देखिए इस तरह से। और इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा प्याज आधा कटोरी, फिर यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं, बारीक कटा हुआ टमाटर, कैरी, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन अदरक और हरी मिर्च की चटनी या मसाला आप बोल सकते हो उसे। ये सारी वेजिटेबल्स हम अब इसमें ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर मैंने इसमें डाला है नमक स्वादानुसार, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला। ये सब हमें आधा चम्मच या एक चम्मच आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और बस, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, मैदे का आटा जिसे बोलते हैं, सॉरी कॉर्न का, मकई का आटा मैंने इसमें डाला है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका एक डो बना लूँगी इस तरह से। और बस इसमें से हमें थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से टिक्की का शेप इसे देना है। आप दोनों हाथों से करेंगे तो आसान हो जाएगा। इस तरह से चपटा हमें बनाना है टिक्की। देखिए बिल्कुल रेडी है, जल्दी से बन जाती है अगर आपने अच्छे से इसे बाइंड कर लिया हो आटे को। इसको देखिए, सारी टिक्कियाँ मैंने तैयार कर ली है यहाँ पर। और ये जो आपको दिख रहा है, ये है स्लरी। 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और चुटकी भर नमक, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इस तरह की स्लरी बना ली है। इसमें हम हमारी टिक्कियाँ डुबोने वाले हैं। अब पैन पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है, इसे गर्म होने देते हैं। हमें ये डीप फ्राई नहीं करनी है, इसलिए मैंने कम ऑयल डाला है। अब मैं इसे स्लरी में ये टिक्की इस तरह से डुबोंगी और बस हमें इसे फ्राई कर लेना है। इस तरह से करने से टिक्कियाँ जो है बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची होती है और अंदर से अच्छी सी सॉफ्ट बनी रहती है। ये देखिए, मैंने सारी टिक्कियाँ तवे पर रख दी है। हमें इसे दोनों तरफ से सेकना है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे सेक लेंगे ताकि ये बहुत क्रिस्पी हो जाए। आप चाहे तो थोड़ा सा तेल आजू बाजू से इस पर डाल सकते हो।
ये देखिए हमारी टिकिया बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में रखेंगे और इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे हमारी बनी हुई चटनियों के साथ। इस तरह से मैं हरी चटनी सबसे पहले इस पर डालूंगी। हरी चटनी बहुत खट्टी और बहुत ही टेस्टी होती है। उसके हिसाब से इमली की जो चटनी, इमली और खजूर की जो हमने बनाई है, वो थोड़ी मीठी होती है। इसके लिए ये दोनों चटनी अगर आप डालते हो तो टेस्ट बहुत अच्छी सी बैलेंस टेस्ट आती है इसकी। फिर मैं इस पर डालूंगी थोड़ा सा दही। दही में भी मैंने थोड़ी शक्कर डाली है, 2 चम्मच। आपको खट्टा पसंद है तो आप इसमें शक्कर ना डालें। फिर से एक बार मैं दोनों चटनियाँ डालूंगी और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर। सारी जो वेजिटेबल्स हमने पहले काट के रखी थी उसमें से थोड़ी बचा कर रख लीजिए आप, ताकि आप इस तरह से उसे डेकोरेट करने में यूज़ कर सको। बारीक कटा हुआ प्याज, हरा प्याज और धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। चाट मसाला भी आप ऊपर से इस पर छिड़क सकते हो। अब मैं इस पर डालूंगी सेव, बारीक सेव, जो चाट में बहुत ही ज़रूरी होती है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही कलरफुल और अभी से बहुत ही खास लग रही है दिखने में, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे टमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हो या फिर आप इसे ऐसे ही एंजॉय कर सकते हो। ये चटनियों की वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो बनकर रेडी है हमारा आलू टिक्की चाट। बहुत जल्दी बन जाता है और उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर अपने घर पर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली किसी और रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।